कुशीनगर के तराया सुजान थाना क्षेत्र के रामपुर बंगरा में 29 जून को एक शादी समारोह में 14 वर्षीय बालक को अभियुक्तों द्वारा अपहरण कर गांव से दूर एकांत स्थान पर ले जाकर हत्या कर दी गई थी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने 2 जुलाई को अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था और मामले में जुट गई थी। पुलिस के लिए काफी ये मामला सरदर्द बन गया था और फिर इसके पे जो तहकीकात की गई संयुक्त प्रयास के बाद 10 जुलाई को इस थाना क्षेत्र के एहरोली दान बांधे से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और घटना में प्रयोग करने वाले गमछा, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन पुलिस के हाथों लगी है। पुलिस ने हत्या का खुलासा किया है। पुलिस ने पूछताछ में पकड़े गए तीनों अभियुक्तों ने यह बताया है कि मृतिका के पिता द्वारा हम लोगों को मारने व अपमानित किया गया था, उसी का बदला लेने के लिए हमने 29 जून की रात्रि में रामपुर बंगारा गांव में मृतक लड़का जो शादी समारोह था उठाकर ले गए और बागपत के लड़के को वहां पर बहला फुसला कर उसका अपहरण कर लिया था और एकांत जगह पर ले जाकर उसकी हत्या कर दी और शव को अहिरोली दान स्थित नए बांधे के पास फेंक दिया। पूछताछ में उन्होंने हत्या करने की बात कबूल कर ली है। उन्होंने बताया कि हत्या करने के बाद उन्होंने फर्जी सिम से उसके पिता से 4 लाख की फिरौती की मांग भी की थी, लेकिन मृतक के पिता द्वारा हमें ये फिरौती नहीं दी गई। हत्या में संलिप्त 3 अभियुक्तों में से एक बाल आपचारी भी है। ये थाना तरिया सुजान के रामपुर बगरा गांव में एक व्यक्ति श्री भगवान, उनका लड़का जो है 29 जून को एक बारात पास में आई थी, वहीं पर गया हुआ था और वहीं से ही वो लड़का गायब हो गया। वो लड़का 29 से लेकर के 2 तारीख तक ये लोग स्वयं ही उसकी तलाश करते रहे और ना तो थाने को बताया और कहीं नहीं बताया, लेकिन 2 तारीख को इनके पास एक फ़ोन आया कि इस लड़के को जो है अगर आप लेना चाहते हो तो कुछ आप इंतज़ाम करो, ये लड़का मिल जाएगा। उसी एक फ़ोन कॉल के आधार पर हमारी सर्विलांस टीम और स्वाट टीम और थाने के प्रभारी और वहाँ के सीओ सभी ने मिल करके उसी की करते हुए वो अपराधियों तक पहुंच गए और उनमें से 3 लोग गिरफ्तार किए गए और उन लोगों ने बताया कि इसके जो मृतक हैं, मृतक के पिता ने हम लोगों को एक प्रकरण में अपमानित किया था और उसी का बदला लेने के लिए हम सभी ने इसको मार करके और लाश को गंडक नदी में फेंक दिया है। उस लड़के का मृतक का कपड़ा वो बरामद कर लिया गया है और साथ में ही अपराधियों के पास से उनकी मोटरसाइकिल और घटना में जो गला दबाने के लिए गमछा प्रयोग में लाए थे उस गमछे की। कुशीनगर से टीपू सुल्तान की रिपोर्ट।